बड़ी खबर तुर्की और सीरिया से आ रही है। वहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें धराशायी हो गई। भूकंप की वजह से दोनों जगहों पर 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 350 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। जबरदस्त भूकंप के झटके दर्ज महसूस किए गए। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 7.8 तीव्रता का ये भूकंप आया था। जनक दबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जनक, इस वक्त क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है वहां से? देखिए, जो जानकारी है इसके मुताबिक लगभग 47 लोगों की हताहत की अभी खबर है और 350 से ज्यादा लोग हैं वो बुरी तरह जख्मी हैं। लोग मलबे में अभी हैं और उनको राहत बचाव किया जा रहा है। जो तुर्की के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मदद मांगी है कि लोग उनको मदद करें, चूंकि 7.8 की तीव्रता अगर अब भूकंप के पूरे डिस्टर्ब को समझे तो 1 से लेकर 9 की तीव्रता होती है। 1 में सबसे कम भूकंप होता है, 9 में सबसे ज्यादा भयावह होता है। तो ऐसे में 7.8 की भूकंप जो तीव्रता है वो भयानकता वैसे ही दिखाता है। और उसके केवल तुर्की नहीं, उसके आसपास के जो बड़े जो शहर हैं और या देश हैं वहां पर भी इसका असर, जॉर्डन और इराक तक इसका कंपन महसूस हुआ है। तो अभी भी लोग वहां पर मलबों में हैं। सीरिया में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि तुर्की में जहां पर एपी सेंटर है वहां पर 47 से ज्यादा लोगों की मौत की अभी जानकारी मिल पा रही है। जनक, कौन कौन से वो इलाके जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, साथ ही जो घायलों की संख्या है वो भी हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में आप भी बता रहे हैं कि अभी भी मलबे के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं, उन्हें निकालने के लिए क्या वहां पर किस तरीके से कार्य चल रहा है? दो चीजें हैं इसमें। गाजियाबाद जो सबसे जो बड़ा शहर जहां पर ये इसका एपिसेंटर माना जा रहा है, और उसके आसपास के 178 जितने छोटे बड़े और रिहायशी जगह है जहां पर इमरजेंसी कॉल मिली है, लोग वहां पर मलबों में दबे हुए। सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर ये थी कि एक तो रात का वक्त था, चूंकि 3:30 बजे सुबह का वक्त ये भूकंप आया था तो और लोग सोए हुए थे, तो रात को इतना संसाधन जुटाना जल्द में ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था और सभी लोग वहां पर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे थे। तो ऐसे में सड़कें टूट चुकी हैं, रेस्क्यू रिलीफ में वहां पर बाधाएं आ रही है। और अब चूंकि सूरज की पहली किरण वहां 3:30 घंटे का वक्त है भारतीय समय के मुताबिक, तो लोग अब सूरज की पहली किरण के बाद वहां रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिनिस्टर से समुदाय से भी मदद मांगी है, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि लोग उनको मदद करें, क्योंकि 7.8 की तीव्रता ये बड़े रिस्क। जनक, मैं आपके पास लौटूंगी और आप अपनी बात तब पूरी करें। फिलहाल एक बार दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा देते हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए और ये तस्वीरें देखिए, रात का वक्त था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए और ऐसे में लोग अपने घरों में थे और अचानक से 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप, यानी ये बेहद खतरनाक दर्जे का भूकंप वहां पर दर्ज किया गया, जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। और ऐसे में अभी तक तो 47 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। इसके अलावा कई इमारतें जो है वहां पर धराशायी हो चुकी है, जिसके मलबे में अभी भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो फंसे होंगे। घायलों की संख्या की अगर हम बात करें तो 300 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है और सड़कें टूट जाने की वजह से भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मच गई होगी, क्योंकि रात के वक्त में ऐसा भूकंप आया 7.8। अपने आप में यह तीव्रता बेहद ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से इमारतें तक धराशायी हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तुर्की और सीरिया से ये तस्वीर सामने आई है। जनक हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, किस तरीके से राहत के लिए अलग अलग देशों से मदद की उम्मीद तुर्की और सीरिया को है, इसके बारे में आप जानकारी दे रहे थे, बताइए। तो जनक से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। तुर्की और सीरिया में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।